बेसिकली ये जो रेसिपी है ये टर्किश ये जिससे मैंने ली थी ना, उसने बोला था उसके पापा मलेशिया में एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। अच्छा, मलेशियन रेसिपी आप ये वाली जो है ऐसे कह सकते हैं। तुम मेरी बात पहले पूरी सुन लो, कस्टमर को गलत गाइडिंग दो, सॉरी कस्टमर को नहीं पब्लिक को, पब्लिक को गलत गाइडिंग दो। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो अहमद भाई, आज हम पता क्या बना रहे हैं? ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से रेसिपी जो है, यूनिवर्सिटी का जो शेफ था आपको भी पता ही है। अच्छा, जो अच्छा, अपना उस्मान भाई थी, उनसे ये रेसिपी बेसिकली ना जो है हमने ली थी। बिल्कुल, तो अब वो जो उन्होंने चीजें बताई थी, पहली बात है मैं तो वो भूल चुका हूँ। अच्छा, अब जो मुझे याद थी उसके अकॉर्डिंग, मुझे मुझे जो याद है उसके अकॉर्डिंगली मैंने मैरिनेशन किया। कुछ चिकन मैंने कल का तैयार किया हुआ था, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। कुछ वो ये भी चिकन रेडी हो गया, कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये बेसिकली ड्राई हो चुका था, उसको फ्रीज किया था। अच्छा, तो अच्छा, इसमें सबसे पहले हम लेंगे चिकन बोनलेस, उसको स्ट्रिप्स में काट लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे, वॉश करेंगे सबसे। हाँ, वॉश करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब मैरिनेशन की जो चीजें हैं उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम नमक लेंगे। ठीक है, इजी वर्ड्स यूज करूंगा ताकि सबको समझ आ सके, लोगों का फायदा हो सके। ठीक है, आप भी खाओ ना दूजा भी खाओ। बिल्कुल, हमारा कुकिंग का स्लोगन क्या, आप भी खाओ, आप भी खाओ तो दूजा भी खाओ। जबरदस्त। ओके, तो नमक, नमक सबसे पहले हसबे जायका जाएगा। वेट, ओके, 1 kg चिकन है ना बोनलेस, 1 kg चिकन के लिए आप उसमें लेंगे हाफ हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा। ठीक है, ठीक है। और साथ में ये जो जिसको हम पता नहीं पंजाबी में या उर्दू में क्या बोलते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है इसको कहते हैं ये जो रेड वाली है, रेड चिली, दादर लाल मिर्च। ठीक है, वो डाल लेंगे आप जितना स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैंने 2 tbsp डाल। ठीक है, 2 tbsp फॉर 1 kg दादर लाल मिर्च। ठीक है, मसाला है 1 चम्मच जो है वो सिरके का, और 1 चम्मच सोया सॉस का, 1 चम्मच सिरके का, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस। डालेंगे हम ये मस्टर्ड सॉस डाली है, आपको पता है लोग ये मस्टर्ड, और इसमें जो स्पेशलिटी है ना दो चीजों की वो ये है, जब कोई चीज रेडी हो जाती है उसके ऊपर टॉपिंग करके कस्टमर को सर्व करते हैं। लेकिन हमने उसने क्या है टेस्ट बिल्ड करने के लिए, अच्छा स्मोकी टेस्ट आएगा, मैंने 1 चम्मच डाली है बारबेक्यू सॉस, 1 चम्मच डाली है मस्टर्ड सॉस, मस्टर्ड सॉस। ठीक है, साथ में 1 चम्मच डाली है चिली सॉस। चिली सॉस, ठीक है, ठीक है। ये भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करके ये भी मैंने डाल दिया। ठीक है, तो अब हम मैं कांटा पकड़ लूं, कांटा पकड़े जी। ये जी बड़ी जबरदस्त रेसिपी है जो आपसे शेयर की जा रही है, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ये गारंटी देते हैं हम। नहीं नहीं, मिल सकती है, इसको कहते हैं नहीं यार वो ये हमारे टेस्ट वाली तो नहीं ना मिलेगी भाई। हाँ, इसको हम कहते हैं टाकोस। और बेसिकली ये जो रेसिपी है ये टर्किश नहीं, 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 ये जिससे मैंने ली थी ना, उसने बोला था उसके पापा मलेशिया में एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। अच्छा अच्छा, मलेशियन रेसिपी आप ये वाली जो है ऐसे कह सकते हैं। तुम मेरी बात पहले पूरी सुन लो, कस्टमर को गलत गाइडिंग दो, सॉरी कस्टमर को नहीं पब्लिक को गलत गाइडिंग दो। उसके पापा मलेशिया में एक कंपटीशन हो रहा था, अच्छा उधर गए हुए थे, तो वहाँ पे एक कोरियन लड़का था। ठीक है, उसने ये रेसिपी तैयार की थी। अभी इसमें ओस्टर शाय सॉस डलती है, बिल्कुल अपना बनी बनाई मार्केट से हमें मिलती है। बिल्कुल, ओके ओके, तो समझ गए। बेसिकली ना ये जो बनती है ना, इसमें आप क्या डालोगे, माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं सॉस की बेस के ऊपर बनती है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल इसमें देखिए कुछ भी ग्रेवी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब इसको रखेंगे आधा 30 मिनट बाद इसको फ्राई करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसमें कुछ लेमन वगैरह तो नहीं ऐड करेंगे? नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी सिरका ऐड कर दिया। सिरका ऐड कर, ठीक है जबरदस्त। विनेगर, चलिए बस करें, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओके जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रेसिपी शेयर करने के लिए।